नमस्कार, मैं जगदीप सिंह चौहान, नीव रेजिडेंसी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आज मैं फिर आपके सामने आ गया हूँ और एक बहुत दिलचस्प कहानी जो है आपके सामने लेकर आया हूँ। तो प्लीज़ आप मेरी इस कहानी को ज़रूर सुनिएगा, जो कि आज का जो वक्त चल रहा है कोरोना महामारी का और लॉकडाउन का समय, तो इस वक्त आपको ये कहानी सुनना बहुत ज़रूरी है और उस पर अमल करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये कहानी है सतयुग की। जैसे कि आज कलयुग चल रहा है तो उस पर बहुत फिट बैठेगी ये। तो मैं शुरू करता हूँ, प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो मैं आपको कहना चाहता हूँ वो आप तक सही तरीके से पहुँच सके, मेरी मेहनत सफल हो सके। और अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगती तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, अदर्स से सबके व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे भी लगाने की कोशिश करेगा, ताकि सब लोगों के पास मेरी ये वीडियो पहुँचे और मेरी वो इस बात को समझ सके। तो इस वीडियो के जरिए मैं इस कोरोना महामारी को हराना चाहता हूँ और लॉकडाउन जो है जल्दी ख़त्म हो जाए, उसकी मैं दुआ करता हूँ। तो शुरुआत करते हैं। एक वक्त की बात है कि एक राजा बहुत वक्त से राज भोग रहा होता है और उसकी उम्र भी बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है, बाल भी सफ़ेद हो गए होते हैं। तो राजा क्या करता है कि एक उत्सव रखता है। उस उत्सव में वो अपने गुरु को, जो शुरू से उनके साथ रहते हैं, उनके बचपन से उनका उनको उन्होंने लालन पोषण किया था, उनको सारा ज्ञान दिया होता है, उनको उस उत्सव में बुलाते हैं और अपने सारे मित्र, राजा के जितने मित्र होते हैं सबको वो बुलाते हैं, और भी राजाओं को बुलाते हैं, दूर दूर से, देशों से, सभी राज्यों से वो लोग राजाओं को बुलाते हैं। राजा जी तो उसमें उनका बेटे को, अपनी बेटी को, मतलब पूरे जिनको भी वो जानते हैं, अपनी पूरे जीवन में जिनसे भी उनका कोई रिश्ता रहा है, वो उन सबको अपने उस उत्सव में बुलाते हैं। तो इस उत्सव को थोड़ा सा मनोरंजन रहो भी इस उत्सव के अंदर, तो वो एक नर्तकी को भी बुलाते हैं जो सभी लोगों का मनोरंजन कर सके। तो इस बीच में जो राजा है वो अपने गुरु जी को कुछ स्वर्ण मुद्राएं भी देते हैं, ताकि जब नर्तकी उनका मनोरंजन करे तो वो स्वर्ण मुद्राएं उनको पुरस्कृत करने के रूप में दे सकें। तो जब नर्तकी नृतक कर रही होती है तो वो देखती है कि उनका जो तबला वादक होता है वो अचानक से, उसको नींद आ रही होती है, क्योंकि निंद्रा देवी प्रचंड हो गई होती है, रात भर से नृतक कर रही होती है तो तबला वादक को नींद आ जाती है। तो ये 4 से 6 बजे का एक समय ऐसा होता है जब निंद्रा देवी प्रचंड हो जाती है, तो वो तबला वादक के ऊपर प्रचंड हो चुकी होती हैं। तो यह देखकर जो नर्तिका है वो घबरा जाती है। अब वो क्या क्या करती है, इसी बीच में वो एक दोहा गाती है। वो क्या करती हैं, दोहा गाती, अब तक बहु बीती थोड़ी रहे, पल पल गए बिताई, एक पल के कारणे कहीं कलंक ना लग जाए। मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, अब तक बहु बीती थोड़ी रहे, पल पल गए बिताए, एक पल के कारणे कहीं कलंक ना लग जाए। यह दोहा सुनकर सभी व्यक्ति इसका अलग अलग मतलब निकाल लेते हैं, और जो तबला वादक होता है वो अपने दोबारा से सुर में आ जाता है और वो तबला बजाना चालू कर देता है। और इस बीच में जो राजा जो होते हैं, उनके जो गुरु होते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो जितना जो उनको उन्होंने, राजा जी ने जो उनको मुद्राएं दी होती है नर्तकी के ऊपर लुटाने के लिए, वो पूरी रात नहीं लुटाते, मगर वो उस वक्त वो दोहा सुनकर वो सारा जो मुद्राएं होती है वो सारी उनके ऊपर निछावर कर देते हैं। और उसके बाद जो उनके राजा का जो पुत्र होता है वो भी अपना जो बहुमूल्य जो मुकुट होता है वो भी जो नर्तकी है उसके ऊपर निछावर कर देते हैं। यही देखते हुए उनकी बेटी, वो दोहा सुनने के बाद उनकी जो पुत्री होती है राजा की, वो भी अपना 9 लखा जो हार होता है हीरो का, वो भी रानी जो नर्तकी होती है उसके ऊपर निशावर कर देती है। तो यह देखकर जो राजा है वो अचंभित हो जाता है और वो नर्तकी के ऊपर क्रोधित होता है कि ऐ तुच्छ नर्तकी, तूने ऐसा क्या जादू किया एक छोटे से दोहे में, जो तूने हमारे मेरे सारे मेरे गुरु और मेरे बेटी बेटो इन सबको, राजाओं को लूट लिया, ऐसा क्या बात कही इसमें। तो यह बात गुरुजी सुन रहे होते हैं, तो गुरुजी राजा को कहते हैं कि राजा इस नर्तकी को नीच मत कहो, ये तुम्हारे गुरु की भी गुरु है, और मतलब कि मेरी भी गुरु बन गई है ये अब। तो वो कहते हैं कि ऐसा क्यों गुरुजी, आपने ऐसा क्यों कहा, इसने ऐसा क्या कहा जो। तो वो बताता है कि मैंने सारी जिंदगी, इस दोहे से मैंने समझा कि सारी जिंदगी मैंने जंगलों में मैंने साधना की है, गुरु को, अपने प्रभु को याद किया है, और आज अपने बिल्कुल उम्र के लास्ट दौर पर मैं
इस नर्तकी का नर देख रहा हूँ और मैं नरक वाला काम कर रहा हूँ। तो मैं तो चला अपना दोबारा से साधना करने के लिए। तो उसके बाद फिर वो अपना जो राजा जी है वो अपने पुत्र से पूछते हैं कि बेटा आपने क्यों करा ऐसा। तो बेटा जवाब देता है कि पापा आपके पिताजी आपकी सारी उम्र जो है कि राज भोगते हो गई और मुझे आप राज नहीं दे रहे हो, मेरी इतनी मेरी भी उम्र होती जा रही है। तो मैं आज रात आपके सारे सिपाहियों के साथ मिलके आपका कत्ल करने वाला था, पर इस दोहे के बाद ये दोहा सुनने के बाद मेरे दिमाग में आया कि आज नहीं तो कल ये पूरा राजपाट जो है वो मेरा ही होना है। तो थोड़ा सा धैर्य रख और अपने पिता के जो मृत्यु का कलंक अपने सर पर मत लो। तो फिर वो बेटी से पूछते हैं राजा जी कि भाई बेटी आपने क्यों नौलखा हार दे दिया। तो बेटी कहती है कि पिताजी मेरी बहुत उम्र हो चुकी है और आप मेरी शादी नहीं कर रहे हो, तो आज मैं अपने जो महावत है मैं उससे उसके साथ भागकर शादी करने वाली थी आज रात में, पर ये दोहा सुनकर मैं रुक गई कि आज नहीं तो कल मेरी शादी जरूर होगी, तो मुझे भागकर मैं आपका नाम क्यों खराब करूं, क्यों कलंक लगाऊं आपके सर के ऊपर। उसके बाद फिर राजा जो है राजा बिल्कुल एकदम से हैरान हो जाता है ये बात सुनकर, और उसके राजा के मन में वैराग्य आ जाता है, मतलब कि उसको आत्मज्ञान हो जाता है राजा को। तो वो क्या करता है फिर अपने जो पुत्र है उसका राज तिलक करा देता है उसी वक्त, और बहुत सारे राजा आए हुए थे होते हैं। तो उस बीच में वो अपनी पुत्री को भी कहता है कि आप इसी सारे राजाओं में से अपना वर चुन सकते हो। तो इसके बाद जो राजा है वो भी इन सब बातों का ज्ञान उसको हो जाता है, और फिर नर्तकी जब देखती है कि सब लोगों को आत्मज्ञान हो जाता है उसके एक दोहे से, तो मैं क्यों सुधरती नहीं हूँ। तो वो भी क्या करती है कि वो भी एक प्रण लेती है कि मैं भी आज के बाद नृतक नहीं करूंगी, मैं भी प्रभु के चरणों में उनको याद करूंगी और आगे से मैं ये नृतक नहीं करूँ। तो इस कहानी का जो पूरा सार यही है जो कि मैं इस दोहे द्वारा एक बार जो नर्तकी ने बोला था मैं आपको दोबारा सुना देता हूँ कि अब तक बहु बीती थोड़ी रही पल पल गए बिताए, एक पल के कारणे कहीं कलंक ना लग जाए। तो कहने का मतलब यही है कि अभी तक कहाँ नरेंद्र मोदी साहब ने कोरोना महामारी को लेकर लॉकडाउन किया था और आप लोगों ने भी उसका बहुत अच्छे से पालन करा है, और 2 बार लॉकडाउन हो चुका है और हो सकता है कि आगे भी हो जाए। तो उस लॉकडाउन को ख़त्म करने के लिए, उस महामारी को ख़त्म करने के लिए हमें घर पर ही रहना होगा, जो कि मोदी जी कहते हैं कि स्टे होम सेव लाइफ। तो प्लीज़ प्लीज़ आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग घर पर रहें, स्वस्थ रहें, और इस छोटी सी किसी गलती की वजह से जहाँ इतने टाइम आपने लॉकडाउन को झेल लिया है, आज करीबन करीबन 30 दिन से ऊपर हो गए हैं, तो और अगर छोटा मोटा कोई लॉकडाउन आता है तो उसको जल्दी से उसको झेलिए और फ्री करिए ताकि कोरोना वायरस जो है वो हिंदुस्तान मुक्त हो चुके। तो इसलिए घर पर रहें, स्वस्थ रहें। मेरा आपको ये कहानी सुनाने का बस एक यही मकसद था कि कोई भी ऐसी छोटी गलती मत करिए जिसकी वजह से आपके इतनी बड़ी जो आपने मेहनत करी है 1 महीने तक, और वो मेहनत आपकी ख़राब हो जाए। तो सभी लोग घर पर रहें, स्वस्थ रहें, और अगर आपको मेरा ये मैसेज मिल गया है तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।